दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग में बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए पूरे क्रिकेट जगत में भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है, तो वहीं आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी भविष्यवाणी कर हर किसी को हैरान कर दिया है। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एबी डिविलियर्स, सुरेश रैना, यहां तक कि विराट कोहली के साथ साथ क्रिस गेल और युवराज सिंह ने भविष्यवाणी कर हर किसी को चौंका दिया है। वहीं गौतम गंभीर की भविष्यवाणी ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। क्या कुछ इन दिग्गजों ने दिया है भविष्यवाणी करते बयान और किस टीम को बताया है चैंपियन, ये तो हम आपको उनके बयान में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर राउंड कल अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन मुंबई की घातक गेंदबाजी के आगे बैंगलोर की टीम केवल 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 135 रन बना पाई। यह छोटा लक्ष्य देखकर यही लग रहा था कि मुंबई आसानी से इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन बैंगलोर की खतरनाक गेंदबाजी के आगे मुंबई की टीम 20 ओवर में केवल 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जिसके कारण बैंगलोर की टीम 5 विकेट लिए मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच गई। मुंबई की हार और बैंगलोर की ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, यहां तक कि बैंगलोर के चाहने वाले फैंस भी बेहद खुश नजर आए। अब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सामना फाइनल में दिल्ली कैपिटल से होने वाला है। यह मुकाबला 17 मार्च को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है, पूरे क्रिकेट जगत में भविष्यवाणी की जा रही है। लेकिन अब आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गज भी फाइनल मुकाबले के लिए भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए, क्योंकि फाइनल में दोनों टीमें पहुंचने वाली बेहद मजबूत हैं। जहां दिल्ली कैपिटल ने पहले फाइनल में जगह पक्की कर ली थी, तो वहीं बैंगलोर मुंबई को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। तो चलिए अब हम आपको आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों ने भविष्यवाणी सुनाते हैं, क्या कुछ इन दिग्गजों ने दिया है बयान और किस टीम को बताया है इस बार वुमेन प्रीमियर लीग का चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि इस बार वुमेन प्रीमियर लीग बहुत ही शानदार रहा। सभी टीमों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन अब यह लीग अंतिम मुकाम पर आ पहुंची है, जहां बैंगलोर और दिल्ली के बीच फाइनल मैच खेला जाना। ये दोनों टीम में बेहद मजबूत है, मेरे लिए किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल जीत सकती है, क्योंकि उससे कड़ी मेहनत कर सबसे पहले फाइनल में जगह बनाई। विराट कोहली ने दिल्ली और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच होने वाले वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबले की भविष्यवाणी करते हुए बताया कि अब तक रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम स्मृति मंधाना के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई है। टीम को फाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारे में स्मृति मंधाना अपनी टीम को फाइनल का खिताब भी जिताएंगे। पूरा क्रिकेट फैंस चाहता है बैंगलोर इस बार आईपीएल का खिताब जीते। एलिस पेरी ने बेहतरीन खेल दिखाया, अकेले दम पर टीम को यहां तक पहुंचाया। मैं जितनी तारीफ करूं बैंगलोर के खिलाड़ियों की कम है। वहीं युवराज सिंह ने भी वुमेन प्रीमियर लीग के फाइनल मैच पर भविष्यवाणी करते हुए कहा है, महिला खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, बैंगलोर और दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची। यह देखकर काफी खुशी हुई कि बैंगलोर की टीम इस बार फाइनल मैच खेल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंगलोर की टीम इस बार वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करेगी, क्योंकि उनके सभी खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं और अच्छा खेल दिखा रहे हैं। वहीं गौतम गंभीर ने भी दिल्ली और बैंगलोर के फाइनल मैच पर भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि पहले दिल्ली और बैंगलोर की टीम को फाइनल मैच में पहुंचाने की बहुत बहुत बधाई। दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत की है यहां तक का सफर तय करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम किसी भी हाल में खिताब जीतेगी, क्योंकि इस टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया है। मैं दोनों टीमों के लिए खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं कम है, वो दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। अब एबी डिविलियर्स ने भी बयान देते हुए भविष्यवाणी की और बताया कि महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, बैंगलोर की टीम ने मुंबई को बेहतरीन अंदाज में हराकर फाइनल में जगह बनाई है। एलिसा पेरी की मैं जितनी तारीफ करूं कम है, इन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से अकेले दम पर बैंगलोर को यहां तक का सफर तय कराया। मैं चाहता हूं इस बार बैंगलोर की टीम फाइनल का खिताब अपने नाम करे। वहीं सुरेश रैना ने भी भविष्यवाणी करते हुए बयान दिया और कहा कि इस बार वुमेन प्रीमियर लीग का हर एक मैच अद्भुत नजर आया, कुछ ना कुछ रोमांच तो जरूर देखने को मिलेगा। दो मजबूत टीमें फाइनल में जगह बनाई, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार दिल्ली की वुमेन प्रीमियर लीग का चैंपियन बना सकती है, क्योंकि इस टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। वैसे तो मुझे किसी एक टीम को चैंपियन बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंगलोर ने भी मुंबई को हराकर यहां तक का सफर तय किया। वहीं यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने भी वुमेन प्रीमियर लीग के फाइनल पर भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि दो मजबूत टीमें फाइनल में जगह बना चुकी हैं। मेरे लिए बेहद कठिन है किसी एक टीम को चैंपियन बताना, क्योंकि बैंगलोर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और दिल्ली ने तो पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर ली। दोनों टीम के खिलाड़ी बेहद ही खतरनाक हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार बैंगलोर की टीम खिताब को अपने नाम करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भविष्यवाणी कर अपनी फेवरेट टीम को चैंपियन बताते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।